हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यानी हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज वन एंड ओनली हर घर शिक्षा वायला पे। माय नेम इज इमरान। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेसन नंबर 17। जी हाँ, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की लेसन नंबर 17। ये एक ऐसा लेसन है जो आपकी डेली लाइफ में रोज यूज होता है, बट आप हमेशा हिंदी में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है इंग्लिश में इसे कैसे बोले और क्या बोले। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा वादा है आपसे कि आज से और अभी से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको देने वाला हूं कुछ टिप्स जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 17 मैं शुरू करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 16 लेसन्स ऑलरेडी एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वॉच नहीं किया है, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से वॉच करें, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस स्ट्रक्चर्स को वहां से वॉच करें। एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको एक एडवांस तरीका देता है कम्युनिकेट करने का किसी के भी साथ। सो नेवर एवर फॉरगेट दैट कि एडवांस वे का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं, जो एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, वही हर जगह यू नो एप्रिशिएशन पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोकल इंग्लिश बोलना इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन इंग्लिश एक इंप्रेसिव तरीके से बोलना अगर है आपको तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना शुरू करें। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लाता हूं दो वीडियोस जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं, चलो मान लेते हैं तुम चोर नहीं हो, मान लेते हैं वो घर पर नहीं था, चलो मान लेते हैं तुम बीमार थे, चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये सारी बातें जो होती है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी में भी हो सकती है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या फिर चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं था, या चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। ये तो आप टेंस के हिसाब से इसके हेल्पिंग वर्ब्स को बदल कर आप बना सकते हैं, बट चलो मान लेते हैं इसको इंग्लिश में हम क्या कहें। इसको इंग्लिश में हम तीन तरीके से कह सकते हैं, लेट्स से दैट कहेंगे नंबर वन, दूसरा लेट्स अज्यूम दैट नंबर थ्री, लेट्स सपोज दैट, let's suppose that, let's assume that, let's say that, तीनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम नंबर वन को ही अपने एग्जाम्पल्स में इंक्लूड करके आगे हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कहना है चलो मान लेते हैं तुम बीमार थे, let's say that you were ill, इसके बाद आप दूसरा सेंटेंस लगाएंगे जो भी आप कहना चाहते हैं। तो इसमें आपको यह है कि पहले आपको लगाना है let's say that, उसके बाद आपको लगाना है फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद आपको लगाना है सेकंड सेंटेंस, ठीक है। चलिए तो दूसरा एग्जांपल देते हैं, चलो मान लेते हैं तुम चोर नहीं थे, लेट्स से दैट यू आर नॉट थीफ, उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस लगाएंगे, जैसे कि चलो मान लेते हैं तुम चोर नहीं थे, लेट्स से दैट यू आर नॉट थीफ, तो तुम उसके साथ क्यों थे, व्हाई वर यू विद हिम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। नाउ तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेट्स से दैट यू डिड नॉट हैव मनी, या फिर यू हैड नो मनी, तो तुम वहां गए क्यों, व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था, लेट्स से दैट यू डिड नॉट हैव माय नंबर, या यू हैड नॉट माय नंबर, तो आप ये सारी बातें जो है आप लेट्स से दैट या लेट्स सपोज दैट लगाकर इजीली कह सकते हैं, ठीक है। लेट्स से, लेट्स सपोज या लेट्स अज्यूम दैट के साथ फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस लगाकर आप इजीली इस तरह की बातों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है कि और चैलेंज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। चलो मान लेते हैं कि तुमने चोरी नहीं की, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू। स्टे लर्नर, स्टे फोकस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वन अ प्रोफेशन, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।